चकराता विधानसभा के हरिपुर हरिघाट में यमुना के पावन तट पर विगत एक सप्ताह से GSR फाउंडेशन के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसका आज विराम दिवस है। विराम दिवस के इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आइए सीधे चलते हैं GSR फाउंडेशन के अध्यक्ष गजेंद्र जोशी व कथावाचक विपिन उनियाल के पास और उन्हीं से जानते हैं इस आयोजन के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं GSR फाउंडेशन के अध्यक्ष गजेंद्र जोशी जी, और यहाँ पर आज कथा विराम दिवस है। लगभग एक सप्ताह से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, आज जो भंडारे का आयोजन है वो कैसा रहा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमने सूर्य उत्तरायण के दिन यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और आज उसका समापन है। तो पिछले एक सप्ताह से जो हमें अनुभव देखने को मिला है, क्योंकि मैं बता दूँ कि इस क्षेत्र में और इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पर, विशेषकर हरिघाट पर, ये श्रीमद् भागवत की पहली कथा है, पहली बार कथा हुई है, और जिस तरीके से लोगों का रुझान मिला वो वास्तव में अपने आप में काबिले तारीफ था। भक्तजनों ने जो है पूर्ण रूप से पूरा सप्ताह जो है श्री कृष्ण का रासपान किया, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाद बाकी जिस तरीके से चल रहा है, भविष्य में भी इस तरीके से कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। यमुना घाट पर कथा का कितना महत्व बढ़ जाता है, अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार कहें तो? यमुना को कहा जाता है कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई वो सारी यमुना जी के किनारे ही हुई है। ऐसे में यमुना में एक बहुत बड़ा महत्व है, एक क्योंकि कहते हैं माँ यमुना श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी, और उसी घाट पे अगर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन हो तो ये अपने आप में अलौकिक अद्वितीय हो जाता है। जैसे कि सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और आप जैसे भक्तों के द्वारा ये अलग जगाई गई है इस स्थान पर घाट बनाने की, तो आपको लगता है कि जैसे हरिद्वार में एक बहुत भव्य घाट है उसी तरह का यहाँ पर भी बन पाएगा? देखो, मैं तुलना नहीं करूँगा कि यहाँ पे हरिद्वार के तर्ज पे घाट बन जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हो सकता है कि ये हाँ यह तीर्थ हरिद्वार से भी ज़्यादा विकसित हो, क्योंकि इसकी भी संभावना नहीं कम नहीं की जा सकती। कहते हैं कि पौराणिक समय में जब माँ यमुना के जो दर्शन होते थे, यमुनोत्री जब चार धाम का पहला धाम का जो दर्शन होता था, तो ये हरिपुर से ही यात्रा आरंभ होती थी। यहाँ से माँ यमुना का आचमन करके, माँ यमुना का स्नान करके ही भक्तजन आगे को बढ़ते थे, क्योंकि यमुनोत्री में कुंड स्नान होता है, वहाँ पे यमुना का स्नान नहीं होता है। तो ये यमुना का स्नान यहीं पर होता था, लोग यहीं से जो है आचमन करके यमुनोत्री जाते थे। संभव है कि हरिद्वार से भी बेहतर ये घाट हो जाए। आपको लगता है जितनी मान्यता गंगा घाट की है हरिद्वार में, उतनी ही मान्यता इस यमुना घाट की भी है? और हमने देखा है कि कुछ लोग आज भी तीसरे दिन अस्थियों को लेकर हरिद्वार आज भी जाते हैं, जबकि उनका दाह संस्कार यमुना के किनारे भी होता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये अगर मैं कहूँ कि आदिकाल से ही चलता आया है, जब से कई सौ साल से, क्योंकि जब से हमने भी देखा है या पढ़ा है, तो माँ गंगा के जो है महिमा बहुत बार गाई गई है। माँ यमुना का भी महत्व वही है जो माँ गंगा का है। धन्यवाद जोशी जी, आपने हमें समय दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं विपिन उनियाल जी, जो कथावाचक हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक, जिनके मुखारबिंदु से आपने पूरे हफ्ते श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कथा का स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय भक्तों के द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला है और यमुना घाट पर कथा का कितना महत्व है। जय श्री राधे। 14 तारीख से उत्तरायण जब सूर्य नारायण हुए, तो हमारे यहाँ सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ किया गया, और GSR फाउंडेशन के द्वारा, आस्था फाउंडेशन के द्वारा, और सभी स्थानीय लोगों के द्वारा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। वैसे भी हरिघाट हरिधाम मोक्ष का धाम बताया गया है, माँ यमुना के तट पर इस हरिधाम में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया गया, और स्थानीय लोग बहुत, जैसे आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए, सम्मिलित हुए, सबका सहयोग। श्रीमद् भागवत
उस हमारे गोविंद की श्री कृष्ण कन्हैया की है, जिनकी सारी लीलाएं यमुना तट पर ही हुई है। तो उसी तट पर इसका वाचन करना अपने में एक अद्भुत था और बहुत पुण्यमय था, श्रवण करना बहुत पुण्यमय था और सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। आज अंतिम दिवस था, सप्तम दिवस, कथा के बाद भंडारा आदि का आयोजन है। कुणाल जी, हमने देखा है कि आजकल युवा है जो वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता जा रहा है, गंदी आदतों की ओर बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है ऐसे आयोजनों से एक उनके अंदर कोई संस्कार पैदा हो सकते हैं या वो इन चीज़ों से विमुख हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आज का युवा सही में गलत रास्ते की ओर अग्रसर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे आयोजनों से बार बार जब सुनाया जाएगा, वो कहते हैं ना कि श्रवणम कीर्तनम यस्य, जब हम प्रभु के गुणगान और अच्छी बातें, शास्त्रों की बातें बार बार बालक सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो ज़रूर वो सही रास्ते की ओर चलेंगे और इसका बहुत असर पड़ेगा। इसी बात को तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये जो मन है जल्दी भगवान के रास्ते पे लगता नहीं, लेकिन बार बार श्रवण करने से अंत में जो है हमको ज्ञान आता है और सही रास्ते पर बालक जरूर आए। न्याल जी, आपने देखा है कुछ दिनों से, हमने देखा है पूरे देश में भक्तिमय वातावरण होता है, चाहे वो अयोध्या को लेकर हो। आपको लगता है कि युवा पीढ़ी में अब ये भक्ति भावनाएं जागृत हो रही है, युवा पीढ़ी इस ओर मुड़ रही है? जी, आपने कहा कि भक्तिमय वातावरण बन रहा है, बिल्कुल, और बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 तारीख को हमारे श्री राम जी, रामलला जी अपने जो है स्थान पर विराजमान होंगे, इतने लंबे इंतजार के बाद। तो आप सभी को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए, वातावरण का बड़ा असर पड़ता है, घर में जैसा वातावरण होता है वैसे ही बच्चा बनता है। तो भक्तिमय वातावरण होगा तो इस भक्ति का असर हमारी युवा पीढ़ी पर जरूर जाएगा, और हमारा तो देश ही सनातन धर्म है, सनातन देश है, हिंदुस्तान है, तो सनातन संस्कृति का और इस वातावरण का जरूर हमारी नई पीढ़ी पर असर पड़ेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर से लौटेंगे एक नई खबर के साथ।